को श्री गणेश नमा दोस्तों, ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 22 सितंबर बुधवार आज के वृश्चिक राशि फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज का दिन आपके लिए खास रहेगा, कुछ ऐसी बातें या चीजें सामने आ सकती हैं जो आपको आने वाले दिनों में बड़ा फायदा देंगी। किसी कठिन मामले को सुलझाने के लिए अच्छा दिन है, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें। कार्य क्षेत्र में जान पहचान के लोग मददगार रहेंगे, नया सौदा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जी हां दोस्तों, आर्थिक स्थिति में कुछ बड़े बदलाव होने के योग हैं जिनसे आप काफी खुश रहेंगे। अब आपकी महत्वाकांक्षाएं काफी बढ़ी हुई रहेंगी, अपनी महत्वाकांक्षाओं को आपको संतुलित रखना होगा, अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। ऑफिस में तनावपूर्ण स्थिति खत्म हो सकती है। जी हां दोस्तों, मेहनत और समझदारी के साथ आप कुछ ऐसे काम निपटा सकते हैं जो जोखिम भरे हैं, कोई बड़ी टेंशन भी खत्म हो सकती है। जी हां दोस्तों, आप कागजी काम निपटाने पर भी ध्यान दें, कुछ कागज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या हो सकते हैं। घूमने फिरने के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव बातों के बारे में। दोस्तों आज आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा, विरोधी पक्ष आपको हानि पहुंचा सकता है। अधिक दूरी की यात्राएं भी आज शारीरिक और मानसिक कष्ट दे सकती हैं। आज चल अचल संपत्ति के प्रयास में बाधा उत्पन्न हो सकती है, आज कामकाज के बोझ की अधिकता रहेगी। जी हां दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय की। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो व्यवसाय के बारे में आज कोई चिंता करने की बात नहीं है, व्यवसाय में अधिक लाभ होगा और धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। कई प्रकार की खुशियां मिलेंगी और तमाम प्रकार के लाभ भी होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए मेहनत और परिश्रम भरा समय रहेगा, विद्यार्थियों का समय विद्या अध्ययन में गुजरेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। यदि उन रिश्तों की बात करें जो अलग से हैं और काफी समय से कोई बातचीत नहीं हो पाई है तो उन रिश्तों को भूल जाना ही बेहतर है। जी हां दोस्तों, अपने जीवन में आगे बढ़े, जल्दी कोई नया जीवन साथी आपके जीवन में आएगा, दांपत्य जीवन में खुशियां रहेंगी, जीवन साथी का भरपूर सहयोग और प्यार आपको मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके घर परिवार की। दोस्तों घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, परिवार में किसी के रिश्ते की बात भी हो सकती है, साथ ही कुछ नए रिश्तों की शुरुआत भी हो सकती है। जीवन साथी से संबंध मधुर रहेंगे, किसी नए मित्र से मुलाकात संभव है, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, बच्चे आज्ञाकारी रहेंगे और माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भाई बहनों का सहयोग करें, जीवन साथी का सम्मान करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों आज स्वास्थ्य संबंधित समस्या, सर दर्द या मानसिक थकान उत्पन्न हो सकती है। अपने आप को और अधिक स्वस्थ रखने के लिए आप नियमित योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, भगवान श्री गणेश को मोदक का भोग लगाएं और साथ में हरी दूर्वा अर्पित करें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। इस प्रकार उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों आपको भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय गणेश अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।